छेवीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, अज आप अध्याय एक की अभ्यास 1.5 शुरू कर जा रहे हैं। इस तो पहला कल तुम्हें मैं रोमन अंकों की बड़े जानकारी लिए एक वीडियो बना के भेजी सी। उम्मीद है तुम्हें सारे रोमन अंक लिखने आ गए होंगे। जेकर तुम वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लियो, क्योंकि उस वीडियो देखने बाद क्वेश्चन सौखे लगनगे। बेटा ध्यान देखो कितना करने क्वेश्चन। मैं फिर भी रिकॉल करना कि बेटे रोमन अंक के एक लिखते हैं आई, जिदा आई आई लिखते हो ना, एक आई के बराबर दो लिखन लिए दो बारी लाइना पा लेनी है, तीन दे तीन लाइना पा देनी है, चार लिखन लिए बेटा आप देखो मैं तुम्हें सिंपल वे ना समझा देना है। सब तो पहले तुम एक लिए एक लाइन, पांच लिए वी, दस लिए एक्स याद रखना पैना है। एक पांच दस याद करो पहला, सब तो पहला कि एक नू एक लिखते हैं एक लाइन पा के, पांच होंदा है वी, दस हुंदा है एक्स के बराबर। फिर याद करना LCD, 50, 100, 500। LCD तो सारे याद है, सारे घर होंगी है LCD है ना, तो 50, 100, 500 याद करने लिए LCD। L हुंदा है 50, C हुंदा है 100, D हुंदा है 500, तो 1000 हुंदा है M, LCDM। जेकर तुसी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अक्खर याद कर लेंदे हो बस तुहाडी जे रोमन काउंटिंग हो गई पूरी तैयार। हुण देखो एक लई एक लाइन, दो लई दो लाइना, तीन लई तीन लाइन, हुण चार जिहड़ा है ना वो पंज दी हैल्प तो बनता है, पंज दी हैल्प तो बनता है चार, दस दी हैल्प तो बनता है नौ, पंजाह तो चाली घटा दें, दस घटाते इधर एक ही घटने से इधर दस घट गए, 100 चो 90 बन गया, 500 तो 400 बन गया, 1000 तो 900 बन गया। ध्यान नाल समझना बेटा, जे दस दे विच्चों एक घटाउणा आ तां ही नौ बनूगा ना, तो देखो दस ते विचों एक जिहड़ी रकम पिछे लिखते हैं घटाई घटाई जाती है, जिहड़ी अगे लिखते हैं जोड़ी जाती है। हुण तुसीं देखो ध्यान नाल, 100 दे विचों 10 घटाया, सी दे विचों 10 घटाने लई 10 नूं पिछे लिखिया, जे मैं अगे लिखदा तो जुड़दा 110 बन जाणा सी, उहने पिछे लिखिया तो घटेगा, तो इस करके 90 बन गया। हुण 90 जिहड़ा है वह एक्स सी बनेगा, 90 तो बाद 91, 92, 93 लिखना है, तो 90 तो बाद एक पा दोगे लाइन 91 बन जाएगा, 2 पाओगे 92 बन जाएगा, 3 पाओगे 93 बन जाएगा। समझ लगी गल मेरी? तो हुण ध्यान देखो आ की पूछ रहा है, हेठ लिखिया विचों किहड़े अर्थहीन हन। हुण मैं किदां समझाऊंगा तुहानूं, देखो सब तो पहला है आई, फिर है सी। आई की वैल्यू होंदी है 1, सी की वैल्यू होंदी है 100। हुण तुहानूं मैं की समझाया सीगा बेटा कि जे 100 तो पिछे छोटी रकम लिखी आ तो वह माइनस होंदी है। याद रखो किसी भी वड्डी रकम तो जो पहला छोटी रकम आ जाए तो वह माइनस होंदी है, जबकि मैं तुम्हें दस्या सीगा कि 100 दे विचों माइनस 10 ही हो सकता है, 10 तो छोटा माइनस नहीं कर सकते। इहदा मतलब ये तुहाडे कोल की आ गया, अर्थहीन आ गया। आई गल समझ? ये तुहाडे कोल की है, मीनिंगलैस है। मेरी गल समझ लगी कि ये मीनिंगलैस क्यों है? क्योंकि 100 दे विचों 10 तो छोटी रकम माइनस नहीं हो सकती, 50 दे विचों भी 10 तो छोटी रकम माइनस नहीं हो सकती, 500 दे विचों 100 तो छोटी रकम माइनस नहीं हो सकती, 1000 दे विचों भी 100 तो छोटी रकम माइनस नहीं हो सकती। इस गल का ध्यान रखियो। जिदा देखो वी ते डी लिखिया, ध्यान देखियो वी ते डी, वी नूं असीं 5 बोलदे हां ते डी नूं असीं की बोलदे हां, LCD 500। तुहानूं मैं समझा चुका हाँ कि 500 दे विचों 5 नहीं माइनस हो सकता बेटा, 500 दे विचों 100 तो छोटी रकम कोई माइनस हो ही नहीं सकती, 100 ही माइनस हुंदा 500 चों। इहदा मतलब ए भी की हो गया, अर्थहीन हो गया। आई गल समझ कि नहीं हुई? मीनिंगलैस। मेरी गल नूं ध्यान नाल फॉलो करो बेटा कि 50 दे विचों 10 ही माइनस हो सकता है, सिर्फ 100 दे विचों 10 माइनस हो सकता है। याद रखो मैं तुम्हें लिख देना हाँ, 5 ते 10 दे विचों 1 माइनस हुंदा है, 50 ते 100 दे विचों 10 माइनस हो सकते हैं, ते 500 ते 1000 दे विचों 100 माइनस हो सकते हैं। इस गल का ध्यान रखियो, जे इन्हें तो इलावा कोई होर रकम माइनस होंदी है तो फिर वह मीनिंगलैस हो जाएगी। हुण इधर आ जाओ, ये रकम थोड़ी जी वड्डी हो गई है, ध्यान देखियो एक्स सी वी आई आई। हुण एक्स साडे कोल हुंदा है 10, सी साडे कोल हुंदा है 100, वी है 5, ए 1 ते ए 1। तुहानूं मैं की समझाया
कि वड्डी रकम तो जो पिछे कोई रकम है तो पहला वो माइनस होएगी, पहला इसनों हल करांगे अपन माइनस करांगे कि ना आ गया दसो 90, क्योंकि दसा 100 दे विचों 10 माइनस हो सकता है। फिर जमा कितना होगा, उस तो बाद जमा होगा 5, फिर जमा 1 जमा 1 कितना आ गया 90 दे 5 95 दे 96 दे 97। तो इहदा मतलब मीनिंगफुल है। उन्हें पूछा सी इन्हां विचों किहड़े अर्थहीन हन, ये अर्थहीन है, ये भी अर्थहीन है, पर यह अर्थहीन नहीं है। इहदा आंसर आ गया ना बेटा 97, तो इहदा मतलब ये अर्थहीन नहीं है। आई गल समझ? हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा। आई वी सी, आई वैल्यू के दी होंदी है तुहानू पता ही है एक दी, ते वी पांच नू कहने हैं, ते सी आ गया तुहाडे कोल 100। 100 चो माइनस की हो गया, 100 दे पिछू 100 वड्डी रकम तो पहला इक्को ही छोटी रकम हो सकती है बेटा, दो दो छोटी रकम नहीं हो सकदियां। ये तो सीधा ही अर्थहीन हो गया, गल ही खत्म हो गई बेटा, इनू तो सोचन की भी लोड़ नहीं पई। ये तुहाडे कोल की आ गया अर्थहीन, जिन्हों असी बोलते हैं मीनिंगलैस। उम्मीद करना समझ आ रहा होगा बेटा तुहानू। इस तरह अखीला पार्ट देखो, एक्स ते एम है, एक्स नू बोलते हैं 10 ते एम नू बोलते हैं 1000। बेटा जी मैं तुहानू हुणे समझा के चुका बेटा कि 1000 दे विच्चों 100 ही माइनस हो सकता है, 10 माइनस नहीं हो सकता, इस करके ए भी तुहाडे कोल अर्थहीन ही होवेगा, जिसनू असी मीनिंगलैस बोलते हाँ। तो इस तरह असी पहला सवाल कंप्लीट किया बेटा। तुसी आज भी चीज़ है बेटा, ये तुसी अपनी कॉपी ते साइड ते लिखनी है, ये सवाल का पार्ट नहीं है, ये तुसी तुहानू समझाने वाले ही लिखा सीगा। तुहाडा क्वेश्चन सिर्फ यही है पहला कि तुसी ये देखना है कि वड्डी रकम तो पिछे जे कोई रकम छोटी हुंदी है तो वह माइनस हुंदी है, लेकिन 50 ते 100 दे नाल सिर्फ 10 ही माइनस हो सकता है, लेकिन इत्थे 1 माइनस हो रहा सीगा इस करके अर्थहीन हो गया। 500 दे विच्चों बेटा जी 100 माइनस हो सकता है, लेकिन 500 चो 5 माइनस हो रहा इस करके अर्थहीन आ गया। 100 दे विच्चों 10 माइनस हो सकता सीगा इस करके माइनस किया गया, तो उस तो अगले अक्षर प्लस कर ले गए, तो इस करके अर्थहीन नहीं होगा। 100 दे विच्चों 5 माइनस नहीं हो सकता, दैट्स वाई ये अर्थहीन होगा। 1000 दे विच्चों 10 माइनस नहीं हो सकता, इस करके अर्थहीन होगा। पहला क्वेश्चन तुहानू समझ लग गया होएगा, हुण आपां दूजा क्वेश्चन करदे हां, ध्यान नाल देखियो। हुण बड़ा दूजे क्वेश्चन च कह रहा है कि हेठ लिखिया रोमन संख्यावां नू हिंदू प्रणाली विच लिखो, मतलब हुण आपां गिनती बनाउणी है बेटा। इस तो पहला तुहानू मैं फिर रिकॉल करा देना बेटा, 1, 5, 10, 1, 20, 50, 100, 500, 1000, LCDM, बस आह 7 अक्षर आपां याद करने हैं। 5 तो बनता है 1 + 4, 10 तो 1 + 9, 50 तो 10 + 40, 100 चो 10 + 90, पहले दोवां दे विचों 1 माइनस हुंदा है, फिर 10 माइनस हुंदे ने, फिर 100 माइनस हुंदे ने, ठीक है। हुण इहनू जे आपां लिखण ते आईए तां 1 माइनस करना है, तो इहदा मतलब 20 दे विचों 1 पिछे लिखना है बेटा, माइनस पिछे हुंदी है। 1 माइनस करना है तो 10 दे विचों 1 माइनस करन लई पिछे 1 पाउणा है। 40 एल दे विचों 10 घटाउणे आ तां पिछे 10 लिखना है बेटा, समझ लग रही है। 100 दे विचों 10 घटाने हैं तो सी दे विचों 10 घटाने लिए 10 पिछे लिखने हैं, 10 नूं आपां एक्स बोलते हैं, दस्सिया ना मैं 10 नूं एक्स बोलते हैं। 500 चो 100 घटाने हैं तो डी दे विचों सी लिखांगे बेटा, ताही ओह 100 घटूगा ना, तो इधरों भी 100 घटाने हैं तो एम दे विचों सी लिखांगे तो 900 बन जाएगा। हुण इस नॉलेज नूं असी ध्यान नाल रखते हुए आपां क्वेश्चन नूं करना है, ध्यान नाल देखियो। साडा क्वेश्चन है एक्स एक्स वी, हुण ध्यान नाल देखो मैं किदां करूँगा। एक्स दे थले लिखूंगा 10, फिर 10, फिर 5। देखो कोई भी वड्डी रकम तो पिछे छोटी रकम नहीं है ना, इहदा मतलब जोड़ होने हैं। जोड़ किदां, पहली रकम 10 जमा दूजी रकम 10 जमा तीजी रकम 5, जोड़ करो किन्ने आ गए, 10 ते 10 20 ते 5 25, तुहाडा आंसर आ गया बेटा, है ना सौखा। आई गल समझ? एक होर सवाल देखो फिर समझ आऊगी तुहानू चंगी तरह। अगला क्वेश्चन है तुहाडे कोल एक्स एल वी, हुण ध्यान नाल देखो। एक्स नूं कहिंदे आ 10, ठीक है जी, एल साडे कोल हुंदा है देखो 50, वी साडे कोल हुंदा है 5।
हूँ तुम देखो कि वड्डी रकम तो पहला छोटी रकम आ गई, यस पंजाह तो पहला दस है, सब तो पहला आ दो रकम हल होनी है, पांच रकम बाद दे विच आ, इस गल का ध्यान रखो कि हल होनी है जो वड्डी तो पहला छोटी आ गई तो उन्होंने घटाई घटाओ करते हैं बेटा, पंजाह दे विचों दस घटाए किन्ने आ गए, आ घटाओ हो गई, फिर अगली रकम जुड़नी है प्लस पाँच, पंजाह चो दस घटाए चाली, चाली जमा पाँच किन्ने हो गए पंताली, तुहाडा आंसर आ गया। मेरी गल नूं ध्यान नाल समझो बेटा कि जेकर वड्डी रकम तो पिछे छोटी रकम आ तो पहले घटाओ करनी है, घटाओ करके जो आंसर आ गया उहदे विच अगला जोड़ देना है तो पंताली आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, एल एक्स एक्स आई एक्स, हुण एल नूं कहने आ तुसीं बेटा जी पंजाह, दस फिर दस फिर एक तो फिर दस, हूँ मेरी गल ध्यान ना सुनना है, आ देखो दस तो पहला छोटी रकम आ गई ना, तो ये दोनों घटाओ कर दो पहले इतने इतने नौ लिख देना आप, अगली गल हूँ की लिखोगे देखो, पंजाह जमा दस पंजाह दस दस तो एक ही बन गए नौ, तो कि आंसर गया पंजाह साठ सत्तर तो नौ सैवनटी नाइन तुहाडा आंसर आ गया। बहुत सौखा है बेटा, ध्यान नाल समझने की कोशिश करो, बहुत सौखा है। चौथा पार्ट देखो बेटा, एक्स सी आई एक्स, देखो बेटा एक्स होंदा है दस, सी तुहाडे कोल होंदा है सौ, आई होंदा एक ते आ गया दस, ठीक है बेटा। हुण सब तो पहले देखो वड्डी रकम तो पिछे छोटी रकम नूं सॉल्व करन लई माइनस करदे आ, सौ चो दस घटाए किन्ने आ गए नब्बे, इत्थे नब्बे लिख लिया, फिर वड्डी रकम तो थले छोटी रकम आ गई तो इहनूं घटा के आ गया नौ, तो इहदा आंसर की आएगा बेटा नब्बे जमा नौ बराबर नड़िनवे। ध्यान नाल सुनो बेटा, जदों भी कोई भी वड्डी रकम तो पिछे छोटी रकम होवे तां उहनूं घटाउणा, ठीक है, फिर वड्डी रकम तो पिछे छोटी रकम आ गई तो फिर घटा लिया, फिर जो हुण देखो आ वड्डी उस तो बाद छोटी है तो जोड़ होनी है, वड्डी तो पहला छोटी है तो घटाओ, वड्डी तो बाद छोटी है तो जोड़, हुण ये नहीं कहना कि सर सौ तो बाद एक नूं जोड़िया क्यों नहीं, पहला वड्डी ने देखिया पिछे छोटी है तो पहला घटाना पहला घटाओ होनी है, ठीक है, तो सौ च दस गए नब्बे दस चो एक गए नब्बे, पहले तुसीं देख लेना कि वड्डी रकम तो पिछे छोटी रकम है उन्हां नूं घटा लेना फिर जोड़ करनी है। एक होर क्वेश्चन देखो अगला, सी एल एक्स आई वी, सी तुहाडे कोल हुंदा है सौ, एल तुहाडे कोल हुंदा है पंजाह, दस एक ते पंज, हुण देखो केड़ी वड्डी तो पहला छोटी है, आ देखो वड्डी तो पहला छोटी आ गई ना, तो सब तो पहला तुसीं इन्हां नूं घटा देना है, घटा के किन्ना आ गया चार, इहदा मतलब हुण की लिखना है सौ जमा पंजाह जमा दस जमा चार, एक सौ चौंह तुहाडा आंसर आ गया, सौ एक सौ पंजाह एक सौ साठ चार एक सौ चौंह तुहाडा आंसर आ गया। इस तरह साडा ई पार्ट भी कंप्लीट हो गया बेटा, हुण अगला पार्ट देखो, देखो बेटा अगले पार्ट च डी किन्ना है, देखो डी हुंदा है पाँच सौ, सी तुहाडे कोल हुंदा है सौ, एल तुहाडे कोल हुंदा है पंजाह, एक्स दस फिर एक ते एक, ते कोई भी वड्डे तो पहला छोटा है ही नहीं बेटा, इहदा मतलब तुसी की करोगे पाँच सौ सारे नूं जोड़ दोगे है ना, तो पाँच सौ जमा सौ जमा पंजाह जमा दस जमा एक, तो जोड़ो पाँच सौ छे सौ छे सौ पचास छे सौ साठ छे सौ बाहठ, तुहाडा आंसर आ गया। है ना सौखा, ये कोई घटाओ नहीं हुई क्योंकि सारी रकमों के वड्डी तो पहला छोटी सीगी ही नहीं। अगला पार्ट देखो जी पार्ट, तुहाडे कोल है डी एल एक्स आई एक्स, हुण डी तुहाडे कोल हुंदा है बेटा पाँच सौ, एल तुहाडे कोल है पंजाह, फिर दस फिर एक फिर दस, देखो किहड़ी वड्डी तो पहला छोटी आ रही है, वड्डी तो बाद पहला छोटी नहीं है, वड्डी तो पहला छोटी नहीं, वड्डी तो पहला छोटी आ है देखो है ना, वड्डी तो पहला छोटी, तो घट के किन्ने आ गए नौ, बाकी सारा ओके है, तो फिर की लिखोगे पाँच सौ
जमा पंजा जमा दस जमा नौ, ये आ गया 550 60 569 तुहाडा आंसर आ गया। तो इस तरीके नाल बेटा तुसी भारतीय प्रणाली विच लिख सकते हो, बहुत सौखा तरीका है, बस तुसी ध्यान रखो जो तरीके नूं मैं समझाया उस तरीके नूं फॉलो करते रहोगे तो तुहानूं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला पार्ट देखो, तुसी थोड़ा वड्डे वड्डे सवाल हो रहे हो, ध्यान नाल देखना है। डी सी सी एल एक्स वी आई, हुण डी तुहाडा हैगा 500, सी तुहाडा है 100, सी आ गया 100, एल आपके पास होता है 50, फिर 10, फिर 5, फिर 1। देखो कोई भी बड़ी से पहले छोटी नहीं है, बड़ी के बाद छोटी है, बड़ी के बाद छोटी, फिर छोटी 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 छोटी, इधर मतलब सिर्फ प्लस करनी है, माइनस नहीं होएगी। मतलब 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1, इसको आप प्लस कर लो 5 6 700 750 60 765 766, आपका क्या आ गया आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। याद रखना कि जब अब सारे बैग 500 से छोटी छोटी रकम ही आ रही है ना, तो इसलिए वो सारे प्लस हो गए। ऐसे ही अगला पार्ट देखो, सी है डी है एक्स 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 वी 111। अब सी आपके पास कितना है, देखो सी आपके पास है 100, डी आपके पास कितना है 500, फिर 10 फिर 10 फिर 10 फिर 5 फिर 1 1 1। यहाँ देखो ये देखो ये स्टेप देखो कि 500 से पहले रकम छोटी आ गई तो वो माइनस हो गई, कितने आ गए 400, क्योंकि 500 में से 100 माइनस हो सकता है ना। तो फिर अब 400 के बाद सारी रकमें छोटी हैं तो वो प्लस हो जाएंगी, क्या आएगा 400 प्लस 10 10 10 5 1 1 1 430 35 36 37 38 438, आपका क्या आ गया आंसर आ गया। यहाँ भी प्लस कर सकते हो, देखो 10 20 30 35 36 37 38 सारे को प्लस करके अपने क्या लिख दिया 38, ये 400 है ये 38 है, प्लस करके 438 आ गया, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ध्यान से देखो आप सारे, ये है आपके पास एम सी सी एक्स एल वी आई, एम आपके पास होता है 1000, सी आपके पास है 100, फिर 100 फिर 10 फिर एल है 50 फिर 5 और फिर 1। तो इस पूरे क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो कि ये 50 से पहले 10 आ गया जो बन गया 40, बन गया ना 40, तो ये आ गया 1000, ये 100 प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो कितने हो गए 1200, और ये हो गया 6 है ना, तो 1246 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह बेटा अपना दूजा क्वेश्चन भी 1.5 का कंप्लीट हो गया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि तुहानू वधिया तरीके नाल समझ आई होगी। एक बार चंगी तरह प्रैक्टिस करो, ध्यान से मेरी वीडियो को सुनो कि किस तरह से मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, जरूर समझ में आएगी बेटा आपको। जेकर मेरी वीडियो वधिया लगी हो जरूर लाइक करो, जरूर कमेंट करो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो बेटा।